नमस्कार एंड वेलकम टू न्यू इंडिया संकल्प। इस बात में दो राय नहीं है कि हमारा देश प्रगति की राह पर बहुत तेज़ी से चल रहा है। वी आर वन ऑफ द मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड और हम दुनिया की तरह ही फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूरी दुनिया में आज जब रात होगी तो 850 मिलियन लोग बिना कुछ खाए यानी भूखे पेट सो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो ये भी नहीं जानते कि कल सुबह वो उठेंगे या नहीं। और हमारे देश में भी एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो भूखे हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है। आज वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत सीरियस मुद्दा है। और साथ ही में फूड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, यानी जिस तरह का खाना हम खाते हैं क्या वो सेफ है, क्या हमें वो न्यूट्रिशन मिल रही है जो हमें मिलनी चाहिए। वी आर डिलाइटेड टू हैव ऑन आवर प्रोग्राम एन एंटायर पैनल ऑफ गेस्ट, जिसमें से तीन गेस्ट से हम पहले बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता, हु इज़ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द प्रोग्राम। Dr. R.K. Bajaj, who's the DDG of Standardization, BIS, and Namaskar. Ms. Suniti Toteja, who's the Director of FSSAI, that is the Food Safety and Standard of India. Program mein aap sabhi ka swagat hai. Aaj World Food Day ke avasar par jab hum ye baat kar rahe hain, this is a very major issue for the world and also for our country. So how do you think we should be handling this? मैडम, एक्चुअली वर्ल्ड फूड डे के ऊपर वी शुड बी श्योर दैट कि हमारे लोगों को खाना मिले जी। खाना मिले, सेफ मिले और कोई आदि भूखा ना रहे जी। जैसे कि आपने कहा कि अबाउट 89,000 लोग जो हैं वर्ल्ड में, 89 करोड़ पीपल जो है दे आर विदाउट फूड यू नो एवरी डे। और हमारे देश के अंदर देखें तो आप 4500 चिल्ड्रन they die of hunger every day, 4500 every day, and about 7000 people are dying of hunger every day in our country. और यहाँ पे देखिए, कम से कम जो 20 करोड़ लोग जो हैं वो बिना फूड के रहते हैं, मतलब हमारे देश के अंदर, वो बड़ी दुख की बात है। और उसके साथ साथ फूड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूड जो हम खाएं वो एनवायरमेंटली सेफ हो, माइक्रोबियली सेफ हो, कंटेमिनेंट्स ना हो, उस लिए फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बट आई थिंक वी स्टिल नीड टू हैव ए लॉट ऑफ वर्क नीड टू बी डन फॉर हैविंग ए सेफ एंड सिक्योर फूड फॉर आवर पॉपुलेशन। सो ऐसा सोचता हूँ कि फूड डे के ऊपर, वर्ल्ड फूड डे के ऊपर सब लोगों को खाना मिले, कोई भूखा ना रहे, और हमारे पास जो वेस्टेज है फूड का वो कम से कम ना हो। आप ताज्जुब करेंगे, हमारे देश के अंदर जो फूड की वेस्टेज है वो 1,00,000 करोड़ की है एवरी ईयर, 1,00,000 करोड़ एवरी ईयर, विच इज़ यू नो टू मच। एंड यू सी विद दैट फूड यू कैन फीड कम्प्लीट स्टेट ऑफ बिहार फॉर वन ईयर। यू सी द अमाउंट ऑफ फूड वी आर वेस्टिंग, यू कैन सेव, यू कैन फीड बिहार फॉर कम्प्लीट वन ईयर। सो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड वी आर वेस्टिंग। सो ऑन वन हैंड यू हैव ए सरप्लस फूड यू आर वेस्टिंग, ऑन अदर हैंड पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर। So there is a kind of, you know, strange, yeah. So, and I don't know what to say, but as a society, we have to think it over that are we doing the right thing? Can we allow this wastage of food to continue? Because on one hand, we want to increase food, but on other hand, we are wasting it. And we are a richest nation. If you ask me, India is a very rich country. You see, we are producing food. Food for our entire population is quite enough, and if we preserve it, if we take care of the post-harvest losses, I think we can feed our people very nicely. Aapne jo baat kahi, this now is an issue for the entire world. In fact, the Secretary General of the United Nations, on the occasion of World Food Day, Mr. Antonio Guterres, gave this message. In our world of plenty, one person in nine does not have enough to eat. About 820 million people still suffer from hunger, and most of them are women.
Some 155 million children are chronically malnourished and may endure the effects of stunting for their entire lives. And hunger causes almost half of the infant deaths worldwide. This is intolerable. On World Food Day, let us commit to a world without hunger, a world in which every person has access to a healthy, nutritious diet. Zero hunger is about joining forces. Countries and companies, institutions and individuals, we must each do our part towards sustainable food systems. Today, we renew our commitment to uphold everyone's fundamental right to food and to leave no one behind. Thank you. Zero hunger ki jo baat ho rahi hai, that every person should get food and food should be edible, isn't it? Bilkul sahi kaha aapne. और जैसा डॉक्टर गुप्ता ने भी डॉक्टर गुप्ता जी ने भी कहा वी हैव टू हैव ए सिनर्जी बिटवीन व्हाट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड कितनी वेस्टेज हो रही है उसको हमने कैसे कवर करना है ये सब हमें देखना चाहिए एफएओ जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है वो इसी पर्पज़ से बनी है कि हंगर को कैसे मिटिगेट किया जा सके और न्यूट्रिशियस फूड कैसे प्रोवाइड किया जाए पूरे वर्ल्ड में हर साल 150 कंट्रीज़ इस डे को मनाते हैं आज के 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है और हर बार एक मोटो दिया जाता है एक थीम दिया जाता है जिस पर काम करें ताकि एक फोकस बने और उसके ऊपर हम काम कर पाए इस बार का जो फोकस है वो ये है आवर एक्शन इज़ आवर फ्यूचर जो हम आज कर रहे हैं वही हमारा आगे फ्यूचर बनने वाला है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द फूड हाउ वी यूज़ इट एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी दो अलग चीज़ें हैं फूड सिक्योरिटी मतलब टू प्रोवाइड टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एंड द न्यूट्रिशियस फूड ऑन दैट एट द सेम टाइम जो फूड मिल रहा है दैट शुड बी सेफ आल्सो इन द सेंस कि जो फूड एंड प्रोडक्ट पे जब कंज्यूम हो रहा है तो हाउ सेफ इट इज़ लाइक माइक्रोबायोलॉजिकली केमिकली रेडियोलॉजिकली ऑल दीज पैरामीटर्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ इस चीज़ को कवर करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने खाद्य पदार्थों के ऊपर भी बहुत सारे मानक निर्धारण किए हैं लगभग 2000 के करीब हमने स्टैंडर्ड बनाया है फूड एंड एग्रीकल्चर के ऊपर जिसमें लगभग 1000 जो है फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर है इसी प्रकार से हम फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम भी इंप्लीमेंट करते हैं जो कि इंश्योर करता है कि जो फूड आ रहा है वो फ्रॉम फार्म टू फोक उसमें कैसे सेफ्टी इंश्योर की जाए लाइक प्री हार्वेस्टिंग में हार्वेस्टिंग में और पोस्ट हार्वेस्टिंग में किस प्रकार के एक्शन लिए जाएं ताकि पूरे का पूरा खाना हो जो सेफ हो कंज्यूमर्स के लिए सुनीति जी जो FSSAI कर रही है जैसे आज भी देयर हैज बीन अ बिग लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड डे उसके बारे में पहले हमें बताएं FSSAI जो फूड का रेगुलेटर है कंट्री में हमने मतलब एज यू कैन से अंडर द 150th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी यू नो सो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किए हैं उसमें से एक ये भी है जो स्वस्थ भारत यात्रा है ये इसका प्राइमरी मोटिव ये है कि हम इट हैज़ अ थ्री प्रॉन्ग यू कैन से वन इज़ सेफ फूड फूड सेफ्टी को इंश्योर करा जाए उसका अवेयरनेस जनरेट किया जाए कैसे हम फूड बेसिक हाइजीन सबको अपने पर्सनल हाइजीन हाइजीन जब आप खाना बना रहे हैं या जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो फूड बिजनेस हैं वो हाइजीन को कैसे मेंटेन रखें कि फूड सेफ हो ये तो एक है दूसरा है हेल्दी फूड क्योंकि आजकल जैसे हम जो कहते हैं कि इंडिया में इतना मैल नरिशमेंट है या अंडर नरिशमेंट है या हंगर है वो तो एक तरफ है बट कुछ अनहेल्दी फूड्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसका भी बहुत चलन बढ़ रहा है तो वो हेल्दी फूड्स या न्यूट्रिशियस डाइट को कैसे प्रमोट किया जाए वो अवेयरनेस के लिए भी है उसमें ऐसा होता है कि आप खा तो रहे हैं जैसे सर्टेन काइंड्स ऑफ फास्ट फूड पर उसमें न्यूट्रिशन तो होती नहीं है पेट तो भर रहा है हाँ लेकिन शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता वो नहीं है तो इसके लिए हमने एक ये मास अवेयरनेस एक ये प्रोग्राम शुरू किया है आज ही से लॉन्च हुआ है ये 6 ट्रैक्स में ऑल ओवर इंडिया ये साइक्लोथॉन है तो थ्रू दैट साइक्लोथॉन एंड बहुत सारे हमारे पार्टनर्स हैं इसमें वी हैव स्टूडेंट्स हैं हमारे सम ऑफ द एसोसिएशंस हैं NCC है NSS एंड सो मेनी अदर हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं इट्स नॉट कि सिर्फ हम कर रहे हैं बट हमारा एक पूरा इकोसिस्टम साथ में इन्वॉल्व है तो फ्रॉम 6 डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री यू नो सो साइमल्टेनियसली आज ये शुरू हुआ है साइक्लोथॉन और उसमें हम बीच बीच में कुछ मेला इवेंट्स कुछ कन्वेंशंस करेंगे जन भागीदारी के रूप में वेयर वी वॉन्ट टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस कि मतलब गिव फूड सेफ्टी इम्पोर्टेंस जो थोड़ा अभी इतना हम लोग का इम्पोर्टेंस नहीं है
So that is the primary role that is envisaged. This is a very important way, yes. really, because yes. you are going to cover the entire country, yes. and log ye janenge, samjhenge ki safe food. Food ki tarah hi important hai. Without one, the other doesn't work. We have the short film for you. Let's have a look. केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 सितंबर 2013 को संसद में पारित हो गया। गरीब जनता को कुपोषण मुक्त कराना इस अधिनियम का मकसद है। गरीबों को इस अधिनियम के तहत मिला आहार का कानूनी अधिकार। ग्रामीण व शहरी भारत की तकरीबन 80 करोड़ गरीबतम जनता खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ उठाएगी। इस योजना में बहुत ज्यादा रियायती दरों में अनाज मिलेगा। 1 किलो चावल 3 रुपए में, 1 किलो गेहूं 2 रुपए में और 1 रुपए में 1 किलो मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा व मक्का मिलेगा। यही नहीं, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार के साथ साथ 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ भी मिलेगा। सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि 6 महीने से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को भी आंगनवाड़ी और स्कूल के मिड डे मील में पोषक भोजन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उनको अनाज घर ले जाने की सुविधा भी मिलेगी। राशन की दुकान से परिवार के प्रति व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो अनाज मिलेगा। केंद्र सरकार राज्यों को न केवल अनाज मुहैया कराएगी बल्कि वितरण केंद्रों का ढांचा, अनाज की ढुलाई, दुकानदारों के मार्जिन के लिए भी मदद करेगी। अगर किसी वजह से अनाज उपलब्ध नहीं हो पाता तो लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता मिलेगा। कहीं भी कुछ भी कमी ना रह जाए इसलिए शिकायत निवारण तंत्र भी बनाया जाएगा, जिसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन नंबर और SMS की सुविधाएं होंगी। नियुक्त नोडल अधिकारी भी जनता की शिकायत सुनेंगे। जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत की जांच कर उसका हल करेंगे और अगर समय पर निवारण ना हुआ तो अधिकारी पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी किया जाएगा। राशन वितरण प्रणाली को सही ढंग से पूरा करने के लिए पंचायत, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को शामिल किया जाएगा और केंद्र सरकार इस राशन वितरण प्रणाली की जांच पड़ताल भी कर सकती है। कार्य में पारदर्शिता रखी जाएगी ताकि पंचायत रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सके। मैदानी, पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों के साथ जनजाति वाले क्षेत्रों में भी पूरी खाद्य सुरक्षा का पहुँचना सुनिश्चित किया जाएगा। क्योंकि गांव हो या शहर, इलाके मैदानी हो या पहाड़ी, आहार का ये कानूनी अधिकार देश की गरीब जनता को देगा उनका हक। तो देखा आपने, भारत सरकार की तरफ से तरह तरह के जो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं प्रोग्राम्स ताकि लोगों को खाना मिल सके। लेकिन सुनीति जी, इसमें एक बात आती है कि ये खाना पौष्टिक हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, उसके लिए अभी हमने ये 2016 अक्टूबर में हमने कुछ हमारे जो स्टेपल्स होते हैं, मतलब जो सब लोग खाते हैं, जैसे वीट है, राइस है, सॉल्ट है और मिल्क एंड ऑयल है, ये 5 में हमने इनका न्यूट्रिशनल, क्योंकि ये सब खाते हैं तो हमारे जो कंट्री में एक जिसको हम हिडन हंगर कहते हैं, इंस्टेड ऑफ हंगर इट इज़ हिडन हंगर, मतलब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, वाइटमिन्स की, वाइटमिन ए डी है या वाइटमिन बी है, आयरन है, मिनरल्स में आयरन, आयोडीन की काफ़ी अनीमिया, जो हम कहते हैं कि हमारी 45% महिलाओं को अनीमिया है, या जो बच्चे हैं 12 साल से कम उसमें आपके अगेन देर आर काफ़ी परसेंटेज है जो अनीमिक है। तो इस सब के लिए जैसे पहले से आपको पता है सॉल्ट में तो पहले से ही आयोडीन युक्त नमक था ही, जो जिसके बारे में हम सब जानते हैं बिकॉज इतनी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, तो उसमें अभी आयरन का भी करके उसको भी हम लोग थ्रू मिड डे मील प्रोग्राम या जैसे ये राशन में थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और ICDS में जो आपकी महिलाओं को और बच्चों को जो देने के लिए, उसमें राइस और वीट में मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन या डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट दिया जाए जिसमें आयरन और आयोडीन हो। ऐसे ही वाइटामिन ए का, वाइटामिन डी की काफ़ी कमी है हमारी डाइट्स में, क्योंकि हम लोग जनरली ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट्स हैं, तो और ऑल दो हम लोग का इट्स मतलब ट्रॉपिकल कंट्री तो सनशाइन बहुत है, बट फिर भी देखा गया है कि या तो हम इतना जाते नहीं हैं, वाइटामिन डी का उतना है नहीं, वी बहुत ही डेफिशेंट पॉपुलेशन है। तो वाइटामिन ए एंड डी ऑयल एंड मिल्क में इसके स्टैंडर्ड्स नियुक्त किए गए हैं और अब हम
धीरे धीरे चाह रहे हैं कि कैसे जो फूड बिजनेसेस हैं वो इसको खुद ही वॉलंटरी इसको एक्सेप्ट करके मतलब वो वेरिएशंस लाएं और फोर्टिफाइड फूड अवेलेबल हो कई कई जगह। इसमें एक सवाल ये उठता है कि जैसे नमक है वो तो हम पैकेज्ड खरीदते हैं तो वो आयोडाइज्ड हो सकता है, लेकिन जैसे दूध है ऐसी चीज़ें तो हम खुले में खरीद लेते हैं, तो उसको कैसे फिर फोर्टिफाई किया जाए? नहीं, उसको तो हम बोलते नहीं हैं कि करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑल्सो यू कैन से वो एक सेफ मेथड भी नहीं है। लूज में तो करना नहीं चाहिए, इसके लिए थोड़ा बहुत तो एक टेक्निकल आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं एक मैन्युफैक्चरर को ही करना चाहिए फोर्टिफिकेशन। आपको ऐसे मतलब जो आप जैसे कहते हैं कि ऐसे ओपन में दूध है वो तो हम वैसे भी नहीं बोलते कि क्योंकि वो सेफ्टी पर्पज से आपका हाइजीन के लिए ठीक भी नहीं है जी। तो ये तो है कि फोर्टिफिकेशन जब हम कहते हैं तो वो पैकेज्ड फूड के लिए ही होता है, क्योंकि उसमें अगर वो मात्रा इनकी बहुत ही माइक्रोग्राम बहुत, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट इसलिए बोलते हैं कि इनकी मात्रा बहुत कम चाहिए होती है बॉडी को, और वो कम के लिए अगर आपका पैकेज नहीं होगा तो वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी इसका स्टेबिलिटी इनकी रहती नहीं है, तो इसलिए पैकेज तो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट महात्मा गांधी ने कहा है कि सेहत जो है वो दुनिया भर के सोने चांदी से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, यानी सेहत हज़ार नेमत। तो FSSAI की एक ये मिशन है, उस पर आइए देखते हैं छोटी सी फिल्म। India is suffering from a high burden of diseases caused by eating unsafe food and poor diets. There is a high prevalence of non-communicable diseases, foodborne illnesses and micronutrient deficiencies like anemia. Motivated by the Honorable Prime Minister's vision of leveraging Gandhiji's 150th birth anniversary to drive social change, it's time to see that people get safe food and a healthy diet. Mahatma Gandhi once said, "It is health that is real wealth and not pieces of gold or silver." Eat Right India is a Jan Bhagidari movement to nudge citizens to eat healthy, eat safe and eat fortified foods. It is aligned with the Government of India's flagship programs like Ayushman Bharat, Poshan Abhiyan, Anemia Mukt Bharat and Swachh Bharat Mission. Inspired by Mahatma Gandhi's tireless yatras to connect India in letter and spirit, in thought and action, FSSAI aims to promote the Eat Right India movement by connecting India through the Swasth Bharat Yatra to fulfill Bapu's dream of a healthier nation. That was Bapu's dream of a healthier nation, and it is also the dream of the Government of India that each and every citizen is healthy and eats well. इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की तो बात आती है, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू डॉक्टर बजाज कि BIS एंड FSSAI, most of us don't know what the difference is and what their, how they work. So where does BIS come into this entire thing and how do they standardize food? Okay. BIS रिस्पॉन्सिबल है पूरे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, राष्ट्रीय मानक निर्धारण करने के लिए जी। हम फूड पे भी मानकों का निर्धारण करते हैं और पिछले 50 सालों से करते चले आ रहे हैं। हमारे स्टैंडर्ड्स में क्वालिटी पैरामीटर्स और सेफ्टी पैरामीटर्स दोनों इंक्लूड होते हैं, जैसे कि डिफरेंट हैवी मेटल्स जो कि नहीं होने चाहिए, और इसी प्रकार से माइक्रोबायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स और प्रोडक्ट क्वालिटी और परफॉर्मेंस की सारी चीज़ें हम अपने स्टैंडर्ड्स में कवर करते हैं। हम लोग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के साथ मिलकर सिनर्जी में काम करते हैं। हमारा अंडरस्टैंडिंग कुछ इस प्रकार से है कि जो मानक हम बनाते हैं उसमें से कुछ इन्होंने अडॉप्ट करते हैं, उनको कुछ इनके जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से उसको मैंडेटरी भी किया गया है। जैसे लगभग फूड के केस में देखें तो 12 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, नेचुरल मिनरल वाटर, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंडेटरी किए गए हैं इसके अंतर्गत। मैंडेटरी का मतलब है कि ये सभी प्रोडक्ट्स बाजार में उपलब्ध नहीं कराए जा सकते बिना BIS के मार्क के, और यही कंडीशन एप्लीकेबल है इनके इंपोर्ट्स के लिए भी जी। तो आप ये समझ लीजिए कि जो ISI मार्क, आप सभी इससे जानकार हैं, वो तभी दिया जाता है जब पूरी गुणवत्ता का चेक कर लिया जाता है। आप अगर पानी का एग्जांपल देखें तो उसमें 50 से ज़्यादा डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको चेक करने के बाद ही ISI मार्क दिया जाता है। तो जब प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है एज ए कंज्यूमर, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल
सेफ है और सारी गुणवत्ता की जितनी भी पद्धतियां हैं, जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको पूरा करने के बाद ही वो दिया गया। सो ISI मार्क देख के आप अश्योर हो सकते हैं कि जो फूड आप ले रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। एब्सोल्युटली ISI मार्क देखकर हम ये समझ सकते हैं कि फूड जो प्रोडक्ट है वो सेफ है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर ISI मार्क नहीं लगा होता और हमको उन्हें या जैसे पानी है पीना पड़ता है, फूड खाना पड़ता है। इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सितारों की दुनिया, सुरों की मिठास, फिल्मी सफर का हर एक मोड़, लेजेंड्स की कुछ दिलचस्प बातें, अदाकारी, अंदाज और अदाएं सिर्फ हमारी जुबानी। तो देखना ना भूलिए चित्रहार, बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। वेलकम बैक टू न्यू इंडिया संकल्प। आज हम बात कर रहे हैं फूड के बारे में और फूड सिक्योरिटी के बारे में। ब्रेक में जाने से पहले आई वाज टॉकिंग टू यू डॉक्टर बजाज, एंड यू टॉकिंग अबाउट हाउ वाटर आल्सो इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फूड, और कैसे BIS के जरिए से एक ISI मार्क दिया जाता है, सो वी नो इट इज़ सेफ, बट द क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी ऑफ अस कैन अफोर्ड बॉटल्ड वाटर। हम जो पानी की बात कर रहे हैं तो पैकेज थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, मैं पैकेज थिंकिंग वाटर की बात कर रहा हूँ। अगर जो बाकी पानी जो आता है आपके घरों में आता है, तो वो कंसर्न म्यूनिसिपैलिटीज़ की रिस्पांसिबिलिटी रहती है। उसके लिए भी हमने मानक का निर्धारण किया हुआ है जी। तो वो म्यूनिसिपैलिटीज़ की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अश्योर करें कि वो जो पानी सप्लाई कर रहे हैं वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो बनाया गया स्टैंडर्ड उसके अनुरूप है। पर उस पर हम वो ISI मार्क देख नहीं पाते। नहीं, उस पर ISI मार्क लग भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो जब आपके पास पहुंचेगा तो इस तरह की प्रक्रिया नहीं है कि हम उस समय उस पर देख पाए। अभी तक हम बात कर रहे थे जो एंड प्रोडक्ट है, जो कंज्यूमर के घर में खाने की चीज़ या पीने की चीज़ पहुंचती है, तो उस पर किस तरह के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। बट लेट्स गो बैक टू द रूट्स, एंड आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट इट प्रोफेसर गुप्ता, कि हमारे देश में एक जो एक माहौल है, जो एक नेचर कहें इंसान की, वो गुड प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू डोंट फाइंड टू मेनी पीपल हु आर गोइंग टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स अदर काइंड ऑफ प्रोफेशंस बट नॉट एग्रीकल्चर, इट्स नॉट फैशनेबल इन आर कंट्री। नहीं मैडम, उसके रीजन क्या है कि फूड एक्चुअली वॉज फूड जो प्रोसेसिंग है वह डिस्कार्डेड एरिया फॉर लॉन्ग आई थी जी। और इसमें क्या था, जैसे हमने काफ़ी प्रोडक्शन काफ़ी किया एग्रीकल्चर का, और हमने उसको सोचा नहीं कि इसको प्रिजर्व करना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए, तो वो हमारी गलती रही शायद। और कुछ साल से मैं देख रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इज़ नाउ गियरिंग अप। यहाँ देखिए, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि फूड इंडस्ट्री के लिए आपको जो जॉब्स हैं वो 90 लाख हैं फॉर अप टू 2024 के लिए। जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी आर अबाउट 90 लाख, एंड 44 लाख आर इन लाइक से सम स्मॉलर यू नो जॉब्स इन द फूड इंडस्ट्री। सो जॉब्स आर देयर, सो पीपल आर नॉट ट्रेंड, एंड यू सी इफ पीपल वर ट्रेंड दे विल टेक केयर ऑफ द क्वालिटी। सो द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट हैव ट्रेंड मैन पावर। ट्रेंड मैन पावर नहीं है तो वो कहाँ से इंडस्ट्री लगाएगा, कहाँ से क्वालिटी कंट्रोल करेगा। तो वो जो है ये कमी रही हमारे यहाँ देश में। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, टीचिंग है, कम्युनिटी है, दे शुड ऑल हेल्प टू क्रिएट आई थिंक ए क्वालिफाइड यू कैन से वर्क फोर्स फॉर द फूड इंडस्ट्री। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट, कि एक वर्क फोर्स ऐसा हो जो फूड इंडस्ट्री के बारे में सोचे, कंसिडरिंग दैट वी आर प्राइमरली एंड एग्रीकल्चरल सोसाइटी। आप तीनों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आर प्रोग्राम, मिस सुनीति टोटेजा, डॉक्टर बजाज एंड प्रोफेसर गुप्ता। दिस हैज़ बीन सम फूड फॉर थॉट ऑन वर्ल्ड फूड डे, एंड जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये खाली हमारे देश में नहीं है, पूरी दुनिया में है। खाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं पूरी दुनिया में, इस पर आइए देखते हैं ये फिल्म। La situación está muy pesado ya, porque la pobreza que hay también aquí en este país, ahí donde se piensa uno que va a migrarlo, porque tienen que mejorar las vidas también.
No, pero la verdad hay un tristeza también, porque la verdad cuando uno que está, siente muy lejos la familia. अब पाँच वर्षको अन्तरालमा यो जलवायुले हामीलाई असर गरेको छ. जनता न खेती गरे पनि समयमा पानी पर्दैन, तुसारो पर्छ, असिनाले उम्रेकोलाई पनि थिच दिन्छ, अनि त्यसबाट उब्जाउ होला भन्दाखेरि उब्जाउ पनि हुन्न, खानालाई पनि गाह्रो गाह्रो हुन्छ. صار في مشاكل بسبب العصابات وما عصاب فلينا على المنطقة. صارنا 4 سنوات أسسناه بعد جهد مكافحة. Puedo quedar aquí, cuidar mis plantitas, todo aquí. Ya tengo lo que yo traje para yo trabajarlo ya, a hacer mis ahorros ya con mi propio dinero ya. ቢያንስ እነዛን ዶሮዎች ለምን ፈለኳቸው? አንደኛ ክትባት ላይ ጥሩ ክትትል አድርጌያለሁ። አሁንም እስካሁንም በጣም ጥሩ ፍቅር አለን። ለወደፊት እንቁላልን እዚህ እያጫወቶችን አምርተን मेरो स्थिति यस्तै छ, तर केही मैले गरेर यो कार्यक्रमले मलाई केही सुधार ल्याएर मैले बच्चालाई केही ठुलो मान्छे बनाउने आशा गरेको छु. न्यू इंडिया संकल्प में आज हम बात कर रहे हैं फूड के बारे में, फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में. एंड वी आर डिलाइटेड नाउ टू हैव विद अस द सेकंड पैनल ऑफ आर एक्सपर्ट्स, डॉक्टर जेपी मिश्रा, हु इज द एडवाइजर फॉर नीति आयोग, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, डॉक्टर ईरम राव, हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ AFSTI, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, and Dr. Jasveer Singh, who represents the industry of food and nutrition and is also associated with FICCI. Welcome all of you. Thank you. सबसे बड़ा सवाल आपसे पहले मैं शुरू करना चाह रही हूँ डॉक्टर मिश्रा के. यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट फूड, बट इन आर कंट्री वॉट वेयर डू वी स्टैंड इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो अभी अभी जो आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने अपनी 2018 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जी. उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 104 104th है आउट ऑफ 119 कंट्रीज. बट इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है क्योंकि मैं उसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करता हूँ और डील भी करता हूँ. ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये 4 पैरामीटर्स पे बेस्ड है, जिसमें चारों जो है दे आर मोर रिलेटेड टू, आउट ऑफ 4 3 जो है वो ज़्यादा रिलेटेड है न्यूट्रिशन से ना कि हंगर से. तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे उसमें एक इंडेक्स है कि बिलो 5 ईयर्स चाइल्ड जो इंस्टेंटेड है दैट इज़ क्लोजली विद न्यूट्रिशन, या उसमें कितना वेस्टेज है, वेस्टिंग है,
तो ये तीनों इशूज़ जो हैं, और ये इसका ये भी मतलब नहीं है कि ग्लोबली जो हमारा इम्प्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन वो नहीं हो रहा, क्योंकि ये डेल्टा को कैप्चर करता है लास्ट ईयर से इस साल कितना, एंड रिलेटिवली जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी प्रोग्रेस, क्योंकि उनके साइज छोटे हैं, उनमें डाइवर्सिटी कम है, उनमें स्केल बहुत छोटा है, तो दे हैव इम्प्रूव्ड, बट ये ऐसा नहीं है कि हमारे देश ने इसमें प्रोग्रेस नहीं की। अगर आप कैलोरी इंटेक देखें, डिवाइड बिटवीन रूरल अर्बन कैलोरी इंटेक देखें, या उसमें जो लो कैलोरी इंटेक था उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, तो इसमें बहुत ही सब्सटेंसिव प्रोग्रेस हुआ है। और कंट्री, क्योंकि हमारा SDG का गोल भी है एंड वी आर कमिटेड टू दैट कि बाई 2030 हंगर फ्री इंडिया होगा, तो हमारा मूवमेंट उधर काफ़ी अच्छा है। What do you think, Dr. Rao, ये जो goals हैं, SGDs हैं जो 2030 तक zero hunger के, do you think they are reachable? Absolutely. In fact, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया that zero hunger is a issue globally, it is a issue. Right. Even in India, it has been a issue. But thanks to the policy decisions, thanks to the food security bill, that we are much more food secure. And we have in fact improved on these three counts, namely जैसे आप undernourishment जैसे देखते हैं 0 to 5 years में, stunting देखते हैं और child mortality देखते हैं, तो 2018 का data clearly दिखाता है that there have been considerable improvements. So where we are perhaps lagging behind is when you talk about malnourishment, it has two faces. You have undernutrition, and you also have today India mein problems of obesity and overweight. Right. And also when you talk about food safety and security, we have to always keep in mind nutritional security. Yeah. But especially when you talk about obesity, that can also be because of malnourishment or undernourishment, isn't yeah, it? Yeah. So both, like when you define malnourishment, right, it is basically faulty nourishment. Right. Right. So whether it is less or it is more, either of them are not good for us. So when you talk about overweight and obesity, we are concerned about empty calories. Right. And as we also know that there is a problem of hidden hunger. Right. So like agar aap urban cities mein dekhe, toh maybe they are not calorie deficient. Mm-hmm. Right. They have sufficient to eat. Mm-hmm. But what we need to understand is that we must incorporate right eating habits. So you have to have what is called as a nutritionally well-balanced, wholesome diets. And that is what is going to bail us out. And in fact, India is doing well on those particular counts in terms of when you're talking about zero hunger issues. Mm. So we can definitely achieve it, what the hashtag zero hunger says, that by 2030, we need to attain that goal. Well, we do hope that that happens. And not only by 2030, but much earlier. Much earlier. If that is possible. You talked about nutrition. So I want to ask you, Dr. Jasveer Singh, that, you know, we are now at a stage where we need to fortify our foods. And you represent the private sector completely. So how do you think that really helps us? And is it possible for everyone to have that kind of fortified food? So there are two aspects to this. One is making sure that there are products available in the market for people to buy. Right. The second, which is more complex, is to make them accessible to people, which is a much more complicated issue, so that people are able to buy those products, which is a huge economic challenge. Yeah. and requires. So accessibility on the one hand is the availability, yeah, of that particular product, and also whether you know, whether it is cheap enough for people, yes, to buy. Whether it is affordable for people to buy. So as far as making sure that the products are available in the market, industry is fully aware of the responsibility that it has in this whole scenario when there is this issue of malnutrition so starkly facing us. So industry is trying to do a lot of products which are becoming fortified. They are being made available in the market. Mm. And to a certain extent, a lot of changes in the regulations have also enabled industry to do that. Like earlier, there were no separate standards which were available for making staples available, which are right, fortified.
now those standards are available, and that enables industry to make sure that those products are there in the market and people can buy and get the benefits of those fortifications. Absolutely. Agar is tarah ka khana agar aam aadmi ko mil jaye to it's going to have a ripple effect, isn't it? Kyunki citizens will be healthier, the population will be healthier and therefore more productive. Lekin jo mudda ye hai ki 2030 tak zero hunger zaruri hai, aur is par aaiye dekhte hain maninee mantri ji ka ye message. हिंदुस्तान ने तो इस वर्ष को मिलेट ईयर भी घोषित किया है और 2030 तक हंगर जीरो का जो लक्ष्य है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में मोदी सरकार आने के पहले की स्थिति में जो उत्पादन की स्थिति थी, पिछले चार वर्षों में देश के किसानों ने जो परिश्रम किया है, राज्य सरकारों ने जो सहयोग दिया है, हमारे अधिकारियों का भी मॉनिटरिंग परिणाम आप देखेंगे कि 2013-14 में खाद्यान्न का उत्पादन जो 265 मिलियन टन था, उस 17-18 में आज़ादी के बाद का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है 284.63 मिलियन टन, यानी 20 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई। तो मंत्री जी बात कर रहे थे कि कैसे हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ा है, लेकिन वाई डू वी नॉट सी दिस टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द काइंड ऑफ फूड दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू पीपल? कहीं कुछ कमी है क्या आपको लगता है? नहीं, दो चीज़ें आप इसको समझ लीजिए कि जब आप फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें अवेलेबिलिटी, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी तीनों चीज़ होती है जी। सरकार तीनों चीज़ों पर बहुत ही गंभीरता से काम भी कर रही है और इसके अच्छे परिणाम भी नज़र आ रहे हैं। अवेलेबिलिटी के टर्म्स में अभी आपने मंत्री महोदय का उद्बोधन भी सुना कि हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया, और वो केवल खाद्यान्न की बात कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, भारतवर्ष आज की डेट में 1 बिलियन मीट्रिक टन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करता है, वो चाहे आपका खाद्यान्न हो, दलहनी तिलहनी फसलें हैं, फिर शुगर केन है, मिल्क है, मतलब सारे फूड केवल फूड ग्रेन नहीं है। मेरा कहने का मतलब उसमें दूध भी होता है, दही भी होता है, मीट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, फिश भी होती है, तो एक इंटीग्रेटेड मतलब डाइटरी इंटेक होता है जो थाली में आता है। तो उस लेवल पे जो हमारी अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ी है, पर कैपिटा कंजम्पशन भी बढ़ा है, कैलोरी इंटेक भी बढ़ा है। अभी इसकी चर्चा हो रही थी कि देर आर टू क्लासेज ऑफ कंजम्पशन, एक जो हमारा ग्रामीण इलाका या आप कह लीजिए कि जो लो कैलोरी इंटेक है, वहाँ पे जो प्रोग्राम्स है जैसे आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, मिड डे मील है, इन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया है जी। इन्होंने वहाँ पे इंटेक बढ़ाया है। दूसरा तबका है जो ऑलरेडी वेल रिसोर्स इंडोर्ड है, वहाँ पे अवेयरनेस ने बहुत अच्छा काम किया है, हेल्थ कॉन्शसनेस हो गए लोग, तो अभी उन्होंने अपने कैलोरी को बैलेंस करना, अपने डाइट को बैलेंस करना किया है। तो एग्रीकल्चर जो तीनों फ्रंट पे, एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ फूड तीनों जो मिलके वो अवेलेबिलिटी, एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई वांट टू आस्क यू, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी वी आर गेटिंग फ्रॉम द लैंड, one very important question associated with it is what are we giving back to the earth,
which brings us to questions about the environment. क्योंकि अगर हम certain kind of fertilizers use कर रहे हैं, we are really harming the earth and harming ourselves with genetically modified products that we have, especially grains. तो उस area में किस तरह का काम होना चाहिए, कहाँ हम lack कर रहे हैं, and where are we successful? Right. So this is a very, you know, I think apt question. That I think India ने एक record बनाया है दुनिया भर में. आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा. सो अभी तक उसका रिकॉर्ड कोई दोहरा नहीं सका है. और उसके बाद सरकार ने यही देखा दैट उसके कुछ नेगेटिव फॉलआउट्स भी हुए. एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स या मिस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, या आज की तारीख में हम पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं. ऑल्टरनेटिवली एक दूसरा रेवोल्यूशन की यू नो आई मीन घोषणा हुई, जिसमें हम बोल रहे हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन. उसमें हम क्या कर रहे हैं दैट वी आर टैपिंग अनटैप्ड यू नो रिसोर्सेज. जिसे पहले हम करते थे ग्रीन पैच ऑफ लैंड पे कल्टिवेशन या ग्रीन बेड्स जो कहलाते थे, अब आपके हैं जो कि दे आर रेन फेड एंड वी आर लुकिंग एट वेराइटीज विच कैन ग्रो इन दोज पर्टिकुलर कंडीशंस. सो दे आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट अटैक्स, दे आर रेजिस्टेंट और दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर. सो नाउ यू सी द शिफ्ट इज नॉट जस्ट ऑन स्टेपल्स एंड सीरियल्स बट ऑल्टरनेटिवली ऑन मिलेट्स ऑल्सो. राइट. इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग एंड थ्रस्ट ऑन ऑल्सो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. Right. So horticultural mission of the country also has done that. जैसे हमने यहाँ बात की कि हमारे देश में enough I think grains available हैं, staples available हैं, लेकिन हमें जो कमी है इस वक्त balanced diet लेने की है. और उसमें अगर आप देखते हैं तो micronutrients जो हैं आपको सब्जी और फलों से मिलते हैं. फलों को अगर मैं इस वक्त हटा दूँ बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव हैं एक layman के लिए, but certainly a culture of incorporating a lot of vegetables. Seasonal vegetables. Vegetables are equally expensive. They are certainly expensive. So again, we have to think of strategies. जहाँ आपको we always talk about seasonally grown, right? Yeah. Vegetables because they are much more cheaper. और उसके अलावा they are more nutrient dense. Right. So if you eat it in the season, they are much cheaper for you, and I'm sure they are quite affordable. But of course, अभी हमने ये भी देखा है that कुछ आपके vegetables हैं, जैसे आपने देखा है टमाटर हैं. अनियंस हैं, पोटैटोज हैं, तो उसके लिए भी सरकार ने अभी 500 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को दिए हैं कि वो उन पे स्पेसिफिकली टारगेट करके और उसको एड्रेस किया जाए थ्रू न्यू प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज. और कैसे हम ये एक आम कंज्यूमर के लिए इनको डिफरेंट फॉर्मेट्स में अवेलेबल कर सकें. सो एवरीबडी हैज़ टू डू देयर बिट. सिर्फ हम एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को या एक पर्टिकुलर पॉलिसी मेकर को या एक गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस आर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स. सो वेदर इट इज़ योर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, वेदर इट इज़ द इंस्टीट्यूशंस और वेदर इज द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ऑल ऑफ अस हैव टू एक्चुअली टेक अ प्लेज टू डू आर बिट टू सेव द फूड. Do not waste the food, share the food. So अगर हम सब अपने थोड़े से comfort zone से निकल के ये करें और इसको हम apply करें तो I'm sure the world will be a much better place before we even achieve the goal of 2030. That's very well said कि अगर हम अपने खाने को waste ना करें, जितनी ज़रूरत है उतना खाएं और दूसरों के बारे में भी सोचें, the world would definitely be a much better place. इसके बारे में सोचते हैं और साथ ही में लेते हैं एक छोटा सा break. Enjoy Indian, Mexican, French, Norwegian. All the cuisines at home only on Vaka Taste Hai. So come and enjoy the culinary journey only on DD National. वेलकम बैक. आज वर्ल्ड फूड डे पर हम बात कर रहे हैं फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में. जसवीर सिंह, आई वांट टू आस्क यू, यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फूड चेन, बट वन ऑफ द थिंग्स वी नोटिस इज दैट फूड व्हेन इट रीचेस द कंज्यूमर, देर आर अ लॉट ऑफ लूप होल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ईट विद द से स्ट्रीट वेंडर्स, तो वहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का तो सवाल ही नहीं है बिकॉज देर आर नो चेक्स एंड बैलेंसेज. हाउ डू वी एड्रेस दैट इशू? So that's an area in which we see a lot of focus coming up now from the regulator side. Right. FSSAI has set up a large program which is named as FASTAC. Right.
which is all about creating capabilities and capacities so that there is manpower available, which was what Professor Saab was talking about in the first portion. Yeah. That technically trained manpower who can ensure that food is produced in a way that it remains safe. Once we have that manpower available, then whether that food is produced in a factory or on the street, as long as the processes are in place, the food is handled in a right way, I think the food safety can be secured. And globally, there are models available which show that this can be done. I mean, Thailand street food is a great example of that. Right. The way they have implemented food safety management systems, even at a street food level, is a good way to go. And we are very happy to see that FSSAI is taking much greater efforts. And in a way, they are reimagining the role of a regulator going forward. So I'm sure that we will see great results coming out of that program. I'm sure we will. But going back to the roots, I would like to ask you, Dr. Mishra, ki, अभी भी हमारा देश जो है वो क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है, जहाँ हमारे क्रॉप्स होते हैं, बारिश ना हो, जैसे इस साल कहीं तो बहुत बारिश हुई, कहीं नहीं हुई, तो इस तरह की रिस्क असेसमेंट को हम क्या किसी कोई पैरामीटर्स हैं ताकि इन सब चीज़ों का हम ध्यान रख सकें? एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि अभी भी हमारे देश में करीब 52-53% जो क्रॉप्ड एरिया है वो रेन फेड है, रेन डिपेंडेंट है, एब्सोल्युटली वो रेन पे ही डिपेंड करता है. और यहाँ पे प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, फूड चेन अफेक्ट होता है अगर कोई भी अबनॉर्मल इस तरह का इसमें एबरेशंस हो जाता है. लेकिन अभी जैसा कि पीछे एक उद्बोधन में भी आया कि सरकार ने कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स शुरू किए हैं कि यहाँ पे भी जो जिस तरह के क्रॉप्स हैं, जो क्रॉपिंग पैटर्न है, उनको भी एड्रेस किया जाए, केवल प्रोडक्टिविटी गेन के लिए नहीं, बट कि उसको प्रोसेसिंग से जोड़ा जाए, उसको वैल्यू चेन से जोड़ा जाए, किसान भी ग्रुप्स में या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बना के उस वैल्यू चेन से जुड़े और अच्छा प्रोड्यूस करें, फिर वो अच्छी तरह प्रोसेस हो और वो फ्रॉम फार्म टू फोर्क के कंसेप्ट पे, वो जो मिलेट की बात कर रहे थे मंत्री जी, उस पर काम कर रहे हैं. दूसरा, आपने इंडिकेटर्स की बात की, तो इस तरह के कई इंडिकेटर्स, कई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो चाहे ड्राउट मैनुअल हो जो 2018 में सरकार ने रिलीज़ किया, जिसमें इस तरह के इंडिकेटर्स बिल्डअप हैं कि किस तरह का कैनोपी कवर है, किस तरह की मॉइस्चर कंटेंट है मिट्टी में, या किस तरह की क्रॉप कवर है, उसके बेस पे पर्टिकुलर एरिया में किस तरह का रिलीफ या रिस्पांस होना चाहिए थ्रू नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फंड या स्टेट डिसास्टर रिस्पांस फंड, वो ऑलरेडी अवेलेबल है. दूसरा जो मैकेनिज्म है जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का है, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है. जी हाँ, वो तो बहुत वो एक बहुत ही एक अच्छा प्रयास सरकार ने किया था. और उसमें जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज उसका ये है कि किसान के अपना इन्वेस्टमेंट बहुत कम है. एक 1.5% जो है वो रबी की क्रॉप्स के लिए है, 2% जो सम इंश्योर्ड है उसके लिए खरीफ की क्रॉप का, या 5% हार्टिकल्चर और फल या सब्जियों वाली फसलों के लिए. तो इसमें जो अभी तक के हमारे आंकड़े हैं, करीब 55 लाख हेक्टेयर और इतने ही किसान, 550 लाख सॉरी करीब 5.5 करोड़ किसान ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके थे. जो ये जो इस तरह के स्टेप सरकार ले रही है वो उत्पादन के लिए भी ज़रूरी है, कंज्यूमर के लिए भी ज़रूरी है, एंड हम बस यही कोशिश करते हैं कि फूड फॉर ऑल बिकम्स अ रियलिटी. आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मिश्रा इरम एंड जसवीर सिंह फॉर बीइंग ऑन आवर प्रोग्राम टुडे एंड ऑन दी ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड डे. आई थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस. हमें उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा. अगली बार के लिए नमस्कार.